नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गहलोत ने 2,21,00,000 रुपए की लागत से 4,115 दिव्यांगों को 7,072 ड्राई साइकिल एवं व्हील चेयर तथा अन्य उपकरण किया वितरित। सांसद हुकुम सिंह की आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया खेद, कहा पश्चिम की जनता और किसानों ने खोया अपना नेतृत्वकर्ता। कमिश्नर अनिल कुमार ने राम वरताल परियोजना के अंतर्गत विकसित की गई आवासीय व व्यावसायिक योजनाओं में क्षतिग्रस्त सड़कें, नाली और पार्क का किया निरीक्षण। भारतीय नारी सेना के सदस्यों ने की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा की साफ सफाई। राष्ट्रीय लोकदल के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का कैंप कार्यालय पर बख्शीपुर में हुआ जोरदार स्वागत। और गंगोत्री देवी महाविद्यालय के 7 दिवसीय NSS शिविर का हुआ शुभारंभ, स्वयं सेविकाओं ने ली स्वच्छता की शपथ। अब समाचार विस्तार से। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन रविवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक फतेह बहादुर, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विधायक संत प्रसाद, विधायक शीतल पांडे, MLC देवेंद्र प्रताप सिंह, पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल, क्षेत्रीय मंत्री डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, निवर्तमान IG मोहित अग्रवाल, कमिश्नर अनिल कुमार, जिलाधिकारी राजीव रौतेला, उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, प्रोफेसर अजय शुक्ला सहित पार्टी के कई पदाधिकारी व सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत पुष्प भेंट कर किया गया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल ने अपने उद्बोधन में अतिथियों का स्वागत करते हुए शिविर के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2,21,00,000 रुपए की लागत से 4,115 ADP योजना तथा वायुश्री योजना के तहत दिव्यांगों को 7,072 ट्राई साइकिल एवं व्हील चेयर तथा अन्य उपकरण वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समारोह में सांस्कृतिक गीत प्रस्तुत करने वाले दिव्यांगों को 11,000 और 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पारित एक्ट के तहत प्रदेश सरकार नौकरियों में दिव्यांगों को 3% के स्थान पर 4% आरक्षण दे रही है। प्रदेश सरकार दिव्यांगों को 300 रुपये के स्थान पर 500 रुपये की पेंशन दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिए जाने वाले मोटराइज ट्राई साइकिल का अनुदान भी प्रदेश सरकार वहन करेगी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि अब सभी दिव्यांगों को यूनिवर्सल परिचय पत्र दिए जाएंगे जो पूरे देश में मान्य होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति कर इसका वितरण कराएगी। पहले केवल 7 श्रेणी के दिव्यांग होते थे, अब इन्हें 21 श्रेणी में रखा गया है ताकि सभी को सहायता मिल सके। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने धन्यवाद ज्ञापित किया। छात्रों की बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपस्थित गोरखपुर शहर के महापौर
श्री सीताराम जायसवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय विधायक अजय ही प्रारंभ होने वाला है। इस कार्यक्रम में हमारे सहायक उपकरणों का वितरण माननीय मुख्य अतिथि महोदय के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार श्री थावरचंद गहलोत जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, के सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, मीडिया बंधुओं, शिविर में पधारे महानुभाव, वरिष्ठ नागरिकों, भाइयों एवं बहनों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गुरु गोरक्षनाथ की पावन भूमि पर मैं आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। अतिथि देवो भव की भाव स्वागत के इसी क्रम में मैं अनुरोध करना चाहता हूं श्री हरीश कुमार जी से, श्री अजय चौधरी जी से कि सम्मानित मंच को एकल पुष्प देकर के स्वागत करें। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, माँ से यही विनती है ये कार्यक्रम हमारा सफल संपादित हो। के छात्रों को स्वागत गीत के लिए आमंत्रित करता हूं। सामाजिक न्याय अधिकारिता दिवस
के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की मदद से इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें इस क्षेत्र के विभिन्न दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थी यहाँ उपस्थित है। गोरखपुर पीठ की परंपरा रही है कि उन दबे कुचले लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचे जो उनके लिए जरूरी है। महाराज जी शुरू से लेकर आज तक ऐसे अनेकों शिविर सामाजिक संगठनों गोरखपुर की तरफ से अक्सर लगाते आए हैं। इसी क्रम में इस शिविर के बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया है। इस शिविर में 4015 उपकरण दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसा सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। चाहे उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, या उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इन्वेस्टर्स समिट जो 2 जनवरी को महाराज जी ने लखनऊ में आयोजित किया था, उसमें महाराज जी को ये योजनाएं यहाँ के इन्वेस्टर ने दी थी कि महाराज जी उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग लगाए जाने चाहिए। भारत सरकार ने भी इस पर पहल की है। किसानों आम गरीबों तक किसानों की आमदनी को 1.5 गुना करने के लिए ये योजना बनाई है, अपना बजट पेश किया है। महाराज जी ने उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग, कृषि आधारित उद्योग के लिए, होजरी के लिए बहुत से सारे योजनाएं बनाई है, वो जल्द ही उत्तर प्रदेश में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। मैं अपने तरफ से इस पुनीत काम के लिए हम केंद्रीय मंत्री और अपने आदरणीय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर के नागरिकों की तरफ से इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। दिव्यांगों बुजुर्गों को स्वावलंबी बनाना, सशक्त बनाना आत्म शिविर के रूप में आयोजित हुआ। हमारे बीच में पधारे हुए माननीय श्री थावरचंद गहलोत जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गोरखपुर के हमारे महापौर जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, हमारे बीच में उपस्थित गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जी, हमारे बीच शासन से आए हुए प्रमुख सचिव सूचना महोदय, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित बंधुओं, हमारे सभी कर्मचारीगण और गोरखपुर महानगर और जनपद के सम्मानित सभी जन, आज एक विशेष कार्यक्रम के रूप में इस शिविर का यहाँ पर आयोजन हुआ है और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो दिव्यांग जन हैं और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको यहाँ पर उपकरण दिए गए। कृपा पूर्वक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री भारत सरकार इस प्रोग्राम में आए और यहाँ की शोभा बढ़ाई। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इंटर कॉलेज के जिन छात्रों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति की है, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने उन्हें 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए उनको नगद पुरस्कार देने की कृपा करें। Gracias.
नमस्कार। सभी लाभार्थियों के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ एक समूह फोटोग्राफी होनी है। कृपया लाभार्थी एक जगह एकत्रित, मंच के बगल में एक जगह एकत्रित होंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लाभार्थी जो कि मंच के पीछे हैं, उनके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफी होनी है। आप कृपया लाभार्थियों के पास चलने की कृपा करें। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल इको फ्रेंडली है। मैं मोहन को आमंत्रित करता हूं, उनको माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा चश्मा प्रदान किया जाएगा। मैं सतनी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं, जिनको माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा चश्मा प्रदान किया जाएगा। मैं जय किशोर पांडे जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं, जिनको कृत्रिम दांत प्रदान किए जाएंगे। अति उत्तम। शेष लाभार्थियों को विधानसभा वार माननीय विधायक गणों के द्वारा प्रदान किया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट उनकी मदद करेंगे। थोड़ा महाराज जी इधर घुमा के लगाइए, इधर इधर हो जाइए बेटा। बड़े आदर भाव से, बड़े सम्मान के साथ इधर घुमा दीजिए। रोतेला जी इधर घुमा दीजिए थोड़ा सा। बहुत अच्छा। एक चलिए 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 चलिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करता हूं कि वे कुंभ 2019 का स्मृति चिन्ह माननीय केंद्रीय मंत्री को प्रदान करें। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान आदरणीय महापौर महोदय, विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण, उपस्थित आशीर्वाद दाताओं, बहनों भाइयों और पत्रकार मित्रों, मुझे आप सब लोगों के बीच में आकर के बहुत अत्यधिक प्रसन्नता हो रही। मैं नवंबर 2014 में भी आया था, उस समय भी विभाग के कार्यक्रम के अंतर्गत ही आया था और मैंने उस समय कहा था कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जो एडीपी योजना के अंतर्गत हम उपकरण बांटते हैं, गोरखपुर में भी एक बड़ा कैंप लगाएंगे। उस वादे को मैं आज पूरा कर रहा हूं। उसके साथ ही साथ साल भर पहले, लगभग साल भर हुआ है, नरेंद्र मोदी साहब के मार्गदर्शन में हमने वृद्धजनों के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं जो चलाई जाती है, उसके अलावा एक वयोश्री योजना प्रारंभ की है। इस वयोश्री योजना के अंतर्गत भी वृद्धजनों का सशक्तिकरण करने का हमारा अपना प्रयास है और इस योजना अंतर्गत जिसको कम सुनाई देता है उसको सुनने की मशीन उपलब्ध कराते हैं, जिसको कम दिखता है नंबर के चश्मा लगाने से ठीक से दिखाई दे सकता है, ऐसे लोगों को नंबर का चश्मा भी उपलब्ध कराते हैं। जिनके दांत नहीं है और 32 की जरूरत है उनको 32 भी उपलब्ध कराते हैं। व्हीलचेयर, ट्राईसाइकल, छड़ी आदि सामग्री उनको उपलब्ध कराते हैं।
और इस काम के लिए लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का बजट प्रावधान भारत सरकार ने रखा है और लगभग 200 जिलों का हमने प्राय प्रथम चरण में चयन किया है और उन 200 जिलों में गोरखपुर को भी सम्मिलित किया है और वरिष्ठ जनों को भी ये उपकरण आज हम उपलब्ध करा रहे हैं। 2,21,00,000 की सामग्री उपकरण के रूप में हम इन सबको उपलब्ध करा रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या 4,115 है और उपकरणों की संख्या लगभग 7,500 से अधिक है। निश्चित रूप से ये उपकरण प्राप्त करने के बाद दिव्यांगजनों का भी सशक्तिकरण होगा, वरिष्ठ नागरिकों का भी सम्मान भी मिलेगा और उनका भी सशक्तिकरण करने का हमारा प्रयास सफल होगा। मैं ऐसे सब लाभार्थियों को बधाई देता हूं और मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि उनका जीवन सानंद सुखी संपन्न हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब केंद्र में प्रधानमंत्री बने और मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का काम दिया, मेरे मंत्रालय में उस समय अवनीश अवस्थी जी संयुक्त सचिव थे, इनका पुराना अनुभव था और मोदी जी ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए समय समय पर हमको निर्देशित किया। मन की बात में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी उल्लेख किया और हमको निर्देशित किया। हमने इन 3.5 वर्षों में एक नहीं अनेक नई नई योजनाएं बनाई है और मुझे खुशी है कि इस प्रकार के उपकरण बांटने के अभी तक हमने 6,000 कैंप आयोजित किए, इसी प्रकार के सार्वजनिक कैंप 6,000 और इन कैंपों के माध्यम से 9,00,000 लोगों को जिनको इस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता थी 600 करोड़ रुपए की सामग्री उपलब्ध करा के उनका सशक्तिकरण करने का प्रयास किया है। अभी आपने जो गीत सुना था अपने यहाँ के राजकीय कॉलेज के वो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, अब ये दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए भी हमने पढ़ाई की सुविधा की दृष्टि से उनको डेजी प्लेयर उपलब्ध कराते हैं, लैपटॉप उपलब्ध कराते हैं और अन्य प्रकार की ब्रेल भाषा की लिपि में सामग्री उपलब्ध कराते हैं और उनको कोर्स की पढ़ाई सुन करके करने का अधिकार दिया है और उसमें भी हमको बहुत सारी सफलता मिली है और इसी प्रकार की सफलता आपने देखी। ये दृष्टिबाधित बालक ने बहुत अच्छा गीत सुनाया है, स्वागत गीत भी किया है। ये स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज गोरखपुर के विद्यार्थी हैं। मैं उनको 11,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा करता हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से अभी उपकरण उपलब्ध कराते समय मिलेगा। जो व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो सकता, चलना तो दूर की बात है, 80% से ज्यादा दिव्यांग टांग घसीट के चलता है, उसको चलाने का और मुख्यधारा में लाने की भी एक योजना बनाई, मोटराइज्ड ट्राईसाइकल उपलब्ध कराते हैं। हमारा ये एलिम्को इसको बनाता है, 37,000 की लागत आती है, 25,000 हम सब्सिडी देते हैं और 12,000 रुपए कोई भी जनप्रतिनिधि या दानदाता या लाभार्थी स्वयं उपलब्ध करा दे तो मोटराइज्ड ट्राईसाइकल भी उपलब्ध हम कराते हैं। वो मोटराइज्ड ट्राईसाइकल हमने अभी तक हजारों लाभार्थियों को उपलब्ध कराई है और उसका लाभ ये हुआ है कि जो खड़ा ही नहीं हो सकता था वो उस मोटराइज्ड ट्राईसाइकल पर अन्य सामाजिक लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा और पहले घर वालों के ऊपर डिपेंड था वो, अब कमाई भी करने लगा है और घर वालों का भी लालन पालन करने लगा है। दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण की दृष्टि से दिव्यांग वित्त विकास निगम भी है, हम उसके माध्यम से ट्रेनिंग भी देते हैं और 4% और 5% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं और अभी तक हमने
लगभग 1.5 लाख दिव्यांगजनों को इस प्रकार की रेल सुविधा उपलब्ध कराई है और लगभग 45,000 से अधिक दिव्यांगों को भिन्न भिन्न ट्रेन में ट्रेनिंग भी दी है। बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं उन सब योजनाओं का उल्लेख करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। अभी तक ठीक से इनकी पहचान भी नहीं होती थी, हमने यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। पहले जो कार्ड बनते थे, परिचय पत्र बनते थे, वो एक जिले से दूसरे जिले में भी मान्य नहीं होते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में मानने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अब हम ऐसे कार्ड बना रहे हैं जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कार्ड बनाया हो किसी ने और किसी भी कोने में जाकर के लाभ लेना चाहता है तो उस राज्य की योजना का और भारत सरकार की इन सब योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा। इसके साथ ही साथ हमने इनके लिए एक नया कानून बनाया है। पहले दिव्यांगों की 7 श्रेणियां थी, केवल 7, हमने जो नया कानून बनाया है उसमें अब 21 श्रेणियां हो गई और 21 श्रेणियां होने के कारण अब कोई भी किसी भी प्रकार का दिव्यांग भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रहेगा। पहले दिव्यांगों को भारत सरकार की नौकरियों में 3% आरक्षण देने की सुविधा उपलब्ध थी, अब हमने इस नए कानून में 4% भारत सरकार की सेवाओं में नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान किया है। सामान्यतया राज्य की सेवाओं में राज्य सरकारें भी आरक्षण का प्रावधान करती है। पहले हिंदुस्तान के सभी राज्यों में, 2 राज्यों को छोड़कर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 6% आरक्षण देने का प्रावधान है, बाकी सब राज्यों में 3% आरक्षण का प्रावधान है। नए कानून के अनुसार सभी राज्यों में कम से कम 4% राज्यों की सेवा में भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, वो कानून सामान्य रूप से बंधनकारी है, आप उस पर अमल करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य की सेवाओं में भी 4% आरक्षण देने की व्यवस्था करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। इसी प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से 5% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। 12th पास करने के बाद कोई कॉलेज में पढ़ाई करेगा, समस्त कॉलेज संस्थाओं में 5% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके साथ ही साथ उसमें जो कानूनी प्रावधान किए हैं उसमें एक सेंट्रल लेवल पर एडवाइजरी बोर्ड होगा, फिर राज्य लेवल पर भी होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होगा और हर 3 माह में ये बैठके करके दिव्यांगजनों की समस्याओं का अध्ययन करेंगे, समस्याओं के समाधान की कार्य योजना बनाएंगे, राज्य सरकार से और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से जब 7 श्रेणियों से 21 श्रेणियां हमने बनाई है और ये यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बनाने का निर्णय लिया है तो ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर जिले में जो कार्ड बनाने के लिए कमेटी होती है, कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनती है और डॉक्टरों का एक पैनल होता है, उनकी राय से बनती है। जब हमने 21 श्रेणियां बना दी, मेंटल रिटार्डेशन वाले भी, फिर सेरेब्रल पॉलिसी वाले भी, इस प्रकार के दिव्यांगता भी उसमें सम्मिलित हो गई, तो हर प्रकार के स्पेशलिस्ट ढूंढ करके वो पैनल जो कमेटी का है उसमें रखने की आवश्यकता होगी। मैं मुख्यमंत्री जी से और अन्य अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो 21 श्रेणियां हैं उसका अध्ययन कर ले, उनसे संबंधित जो जो डॉक्टर हो सकते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करके जल्दी से जल्दी समिति गठित करे और इनका परिचय पत्र बनाने में सक्रियता प्रदर्शित करने का काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो दिव्यांगजन है उनको भी जल्दी से जल्दी लाभ मिल पाएगा। एलिम्को हमारा कानपुर में ही है और एलिम्को के अलावा हमारी 8 संस्थाएं और है, कहीं दृष्टि बाधित के लिए है तो कहीं हाथ पैर टेढ़े मेढ़े उनको ठीक करने की है तो कई मंदी बुद्धि को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की है, ये चिकित्सा सुविधा भी हम उपलब्ध कराते हैं। कटक में हमारा कोलटपुर में एक कारखाना है, एक हॉस्पिटल है, अगर हाथ का
का पंजा किसी का आगे पीछे है या पांव का पंजा आगे पीछे है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो वहां सब दुरुस्त किया जाता है, निशुल्क दुरुस्त किया जाता है। आपके यहां से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा। इस प्रकार के अगर कोई भी आपको दिव्यांग दिखे तो ये सुविधा उपलब्ध करवाने की कृपा करेंगे, एक पत्र हमको भेजेंगे, हम उनको ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, ऐसे लोगों को मशीन तो उपलब्ध कराते ही कराते हैं हम, परंतु हमको मालूम है कि जो सुनता नहीं वो सामान्यतया बोलता भी नहीं है, और जो बोलते नहीं सुनते नहीं उनकी चिकित्सा सुविधा के लिए भी हमने एक प्रावधान किया है। डॉक्टरों की राय है कि वो छोटे बच्चों पर 100% सक्सेस रेट देती है, तो हमने कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उसमें प्रत्येक बच्चे को हम 6 लाख रुपए का अनुदान देते हैं। अभी तक हमने 1000 से अधिक बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को 6-6 लाख रुपए दे करके वो कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई है। छोटा सा एक यहाँ कान के पीछे ऑपरेशन करते हैं, वो मशीन फिट कर देते हैं, बाद में स्पीच थेरेपी के माध्यम से उसको सुनना और बोलना सिखाने का अभ्यास कराया जाता है। अभी तक 1000 से अधिक बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध कराई, और खुशी की बात है कि वो सब के सब सुनने लगे हैं और बोलने भी लगे हैं। ये कानपुर का जो हमारा एलिम को संस्थान है, इसमें आधुनिकतम उपकरण बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। पहले लकड़ी के, प्लास्टिक के, इस प्रकार के हाथ पैर बना करके देते थे। जर्मन की एक ऑटोबॉक नामक संस्था है, उससे साल भर पहले हमने एमओयू किया, और उस एमओयू के माध्यम से आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक हाथ पैर बना करके देने का काम किया है। वो काम प्रारंभ हो गया और उपकरण का निर्माण भी हो गया, और अभी 8-10 दिन पहले 15 लोगों को वो आधुनिक पैर भी उपलब्ध करा दिए। वो 8-10 फीट से हाई जंप कर सकते हैं, लॉन्ग जंप कर सकते हैं, दौड़ में भाग ले सकते हैं, इस प्रकार की सुविधा। और आधुनिक हाथ भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चलेगा, ओरिजिनल हाथ जैसा तो नहीं चल सकता है, परंतु लिखने पढ़ने का, चाय पीने का, पानी पीने का, गिलास वगैरह उठाने का, और ये सब काम कर सकते हैं। उस कारखाने का विस्तार भी कर रहे हैं और आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये उत्तर प्रदेश को मेरे मंत्रालय की अच्छी सौगात उपलब्ध कराई है। 286 करोड़ रुपए उसके लिए हमने स्वीकृत किए हैं। वो विस्तार हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, कर्मचारियों की वेतन वृद्धि आदि भी करने का प्रयास किया है। बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं का लाभ देशवासियों को दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि गोरखपुर के कलेक्टर साहब ने और जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया, क्योंकि इनके सहयोग के बिना ये इतना भव्य, इतना बड़ा कैंप आयोजित नहीं किया जा सकता है। आप सभी जिला अध्यक्षों को, जिला अधिकारियों को अगर निर्देशित करेंगे कि मेरे विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिन जिन जिलों का चयन हमने किया है या एडीप योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं, वो सब हमारे एलिम को, संस्थान को सहयोग करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सर्वे कराने में अपनी भूमिका निभाएं, ताकि हम इस प्रकार के आयोजन करके लोगों को आवश्यकता अनुसार उपकरण उपलब्ध कराएं। कहने के लिए बहुत कुछ है, पर इस अवसर पर मैं इससे ज्यादा बोलूं इसकी समय अवधि मुझे अनुमति नहीं दे रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इन 3.5 वर्षों में हमने इस विभाग की पहचान देश और दुनिया में बनाई। इस विभाग को पहले सामान्यतः कोई जानता नहीं था। ऐसे सम्मेलन में, ऐसे समारोह में उपकरण बांटने का कभी आपने सिलसिला देखा नहीं होगा। हमने इन 3.5 वर्षों में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, और इसके कारण देश और दुनिया में इसकी पहचान हुई है। आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिलेगा तो हम विभाग की योजनाओं को 100% उत्तर प्रदेश में भी लागू करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आप बहुत बड़ी संख्या में आए, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मेरे विभाग की योजनाएं वेबसाइट पर सब लिखी हुई है, आप उसका अध्ययन करें और आवश्यकता अनुसार अपने पास पड़ोस में जो भी आपको इस प्रकार के लोग पाए जाए उनसे आवेदन कराएं और उनको उपकरण उपलब्ध कराने में सहभागी बने।
निश्चित रूप से आपको भी पुण्य मिलेगा, आपका भी जीवन सफल होगा। दिव्यांगजन भी मानव संसाधन का अभिन्न अंग है, उनमें अनेक प्रतिभाएं हैं। ये दृष्टिबाधित छात्रों ने अभी अच्छा गीत सुनाया, परंतु दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम है अपने यहां और 4 बार से लगातार विश्व कप जीत रही है। ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो दृष्टिबाधित है, एशियाई कप भी 4 साल से लगातार जीत रही है और विश्व कप भी लगातार 4 साल से जीत रही है, और पिछले 2 बार से तो भारत की टीम ने पाकिस्तान की टीम को हरा करके विश्व कप जीता है। खेल कूद में भी पैरालंपिक में जो खिलाड़ी गए थे, सामान्य खिलाड़ियों की तुलना में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके भारत का नाम गौरवान्वित किया था। इनमें प्रतिभाएं हैं, इनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलना चाहिए। हम इसके लिए योजनाएं चला रहे हैं, आप भी इन योजनाओं का लाभ दिलाने में सहभागी बने। इतना ही प्रार्थना करके, निवेदन करके मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार पूर्वक मंत्रालय की योजनाओं के बारे में बताया। 6,000 कैंप, 9,00,000 लाभार्थी और 7 कैटेगरी से होगा। एक पंक्ति है कि अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे आपका, उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर जो आपसा घनश्याम मिल जाए। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय वयोश्री योजना एवं एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों के लिए सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आज के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार मान्य श्री थावरचंद गहलोत जी, मंच पर उपस्थित गोरखपुर नगर निगम के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मान्य विधायकगण, से डॉक्टर राधा प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी दिव्यांगजन भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मान्य श्री थावरचंद गहलोत जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आज अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके वे गोरखपुर में आए हैं। आप सब जानते हैं 2014 में नवंबर माह में हम लोगों ने ऐसे ही कई कैंप गोरखपुर में आयोजित किए थे। उस कैंप का उद्घाटन करने के लिए गोरखपुर में स्वयं माननीय श्री थावरचंद गहलोत जी आए थे और उस समय उन्होंने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, मुझे प्रसन्नता है कि आज देश के अंदर जो बड़े बड़े कैंप जिसमें 1,000 से अधिक दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरण होना है, ये हुए हैं। ऐसे 280 कैंप संपन्न करने के साथ आज 281वां कैंप गोरखपुर में संपन्न हो रहा है। एक बड़ी उपलब्धि है, पहली बार दिव्यांग जनों को उनके सहायक उपकरण उपलब्ध हो रहे हैं और उनकी प्रतिभा का लाभ यह देश ले रहा है। सचमुच इसके लिए इस देश को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। पहली बार लग रहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
उन दिव्यांग जनों के लिए भी कार्य कर सकता है जो उपेक्षित पड़े रहते थे, जिनका कोई प्रोत्साहन नहीं था, और जिन दिव्यांग जनों को अगर किसी परिवार में कोई दिव्यांग हो गया तो परिवार के सदस्य ये मानते थे कि अब ये जिंदगी भर का बोझ है। लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रमों ने साबित किया है कि बल्कि वह अगर उसकी अपनी भरपूर प्रतिभा का उपयोग करने का इस समाज अवसर देता है तो वह भी अपनी प्रतिभा से, अपने दिव्य कर्म से, वाणी से इस समाज को, राष्ट्र को लाभान्वित भी करता है। आज का एक कार्यक्रम उसके बारे उन दिव्यांग जनों को सशक्त करने का एक बेहतरीन प्रयास है। मैं इसके लिए हृदय से माननीय श्री थावरचंद गहलोत जी को और उनके मंत्री, उनके विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज यहां पर 4000 से ऊपर दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरण हो रहे हैं, जिनमें 681 ट्राई साइकिल है, 336 फोल्डिंग व्हील चेयर है, 50 ब्रेन केन है, 309 कान की हेयर एड है, 150 स्मार्ट केन है, और ऐसे ही तमाम अन्य प्रकार के उपकरण यहां पर वितरित करने की कार्रवाई आज यहां पर की जा रही है। एक अच्छा अवसर है, कल भी मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम में रामपुर में गया था, ऐसे ही कैंप लगा था और दिव्यांग जन वहां पर आकर के उस कैंप के माध्यम से लाभान्वित हुए थे। केंद्र और प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार की योजनाएं समाज के हर तबके के लिए बिना भेदभाव लागू की हैं, उन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को प्राप्त हो, इसके बारे में प्रशासन को और अधिक संवेदनशील बनना भी पड़ेगा। जैसे भारत सरकार की योजना के अंतर्गत या प्रदेश सरकार के अंतर्गत इन दिव्यांग जनों को उनकी दिव्यांगता के सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बारे में, जिसके बारे में अभी चिंता व्यक्त कर रहे थे माननीय गहलोत जी, और मैं प्रदेश के अंदर जिला प्रशासन से कहूंगा कि वे सीएमओ के साथ मिलकर के पूरे प्रदेश के अंदर सुनिश्चित करें कि जैसे पहले व्यवस्था भी थी कि हर सोमवार को प्रत्येक जिला चिकित्सालय में दिव्यांग जनों के सर्टिफिकेट वितरण करे जाए, उनको बनाए जाए और एक समय सीमा के अंदर वे वितरण भी कर दिए जाए, जिससे उन्हें सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में लाभ दिया जाना है, 7 से 21 प्रकार की जो श्रेणियां प्राप्त हुई हैं और उन्हें आरक्षण देकर के नौकरियों में जो प्राथमिकता दी जा रही है, इसमें उन्हें लाभान्वित किया जाए। और मैं माननीय थावरचंद गहलोत जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि भारत सरकार के 2016 के एक्ट के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग जनों को 3% से बढ़ाकर के 4% आरक्षण की सुविधा पहले ही हम लोगों ने उपलब्ध करवा दी है। ये सुविधा उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिव्यांग को जो 300 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही थी, इस राशि को बढ़ाकर के हम लोगों ने 500 रुपये पहले ही हम लोग कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसका भार भी स्वयं लेकर के इसको वहन करते प्रत्येक दिव्यांग जन को सशक्त करने में अपना योगदान दे रही है। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर जो ट्राई साइकिल है ये मैनुअल है, और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे पास 75 जिले हैं और अगर लोकसभा देखेंगे तो 80 लोकसभा हैं, तो अगर भारत सरकार सहयोग करे तो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की दृष्टि से मुझे लगता है कि 100-100 जो मोटराइज ट्राई साइकिल हैं अगर ये उपलब्ध होती हैं
उत्तर प्रदेश सरकार जो भी सब्सिडी के बाद, भारत सरकार की सब्सिडी के बाद जो धनराशि देनी है, हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से दिव्यांग जनों को उतनी सहायता अपनी ओर से उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अगर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 100-100 मोटराइज ट्राई साइकिल वितरित हो जाए तो वे दिव्यांग जन उस मोटराइज ट्राई साइकिल के माध्यम से न केवल उसका जीवन आसान हो जाएगा अपितु उसको अपना कोई व्यवसाय और रोजगार भी करना है तो उसकी आड़ में वह कर सकता है, इसकी सुविधा भी उनको उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है इसमें हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की तर्ज पर हम लोगों ने प्रारंभ की हैं, जैसे गरीब कन्याओं की शादी के लिए पहले से अनुदान की व्यवस्था थी, लेकिन हम लोगों ने एक व्यवस्था और प्रारंभ की है कि उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम प्रारंभ हो और प्रत्येक विवाह के लिए 35,000 रुपए की सहायता हम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दे रहे हैं। हर जनपद में इस प्रकार के कार्यक्रम लगे, हर विधानसभा में लगे, हर संसदीय क्षेत्र में लगे और अधिक से अधिक गरीब इन योजनाओं का लाभ ले सके। सरकार भी जनप्रतिनिधि भी मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मुझे लगता है कि दहेज रहित विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सामूहिक विवाह के कार्यक्रम न केवल प्रदेश सरकार की ओर से प्रारंभ किए गए हैं अपितु हम लोगों ने प्रदेश के श्रम मंत्रालय के द्वारा भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर लिया है और उन कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये कार्यक्रम सामूहिक विवाह के बहुत अच्छे कार्यक्रम साबित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित रहता है। इंसेफ्लाइटिस में जापानी इंसेफ्लाइटिस भी है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम भी है। प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चे असमय काल कल्पित होते हैं। उपचार की व्यवस्था, निःशुल्क दवा की व्यवस्था, हर जिले में बेहतर सुविधाएं मिल सके और इन बीमारियों को रोकथाम करने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम बन सके, इसके लिए प्रदेश सरकार ने अपनी कार्य योजना लागू की है और अप्रैल में एक विशेष अभियान भी हम इसके खिलाफ चला रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई पीड़ित उससे कोई बालक उसकी चपेट में आ ही गया तो वह जिंदगी भर के लिए शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता है। उनके रिहैबिलिटेशन के लिए एक बड़े केंद्र की आवश्यकता गोरखपुर में है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सीआरसी के लिए, कंबाइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए आपने अपनी सहमति दी है। मैं इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद दूंगा और मैं इस बात के लिए कहूंगा कि भारत सरकार जो भी सहयोग उसमें करेगी वह प्रदेश सरकार सहर्ष लेगी, साथ साथ वहां पर जमीन के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए भी हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से अन्य सहयोग उसमें भरपूर सहयोग करेंगे, जिससे गोरखपुर में सीआरसी का एक बड़ा सेंटर बन सके और इंसेफ्लाइटिस की चपेट में जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को बेहतरीन सुविधा, जो उसकी चपेट में आ गए हैं शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता के शिकार हो गए हैं, उन सभी बच्चों को भी हम लोग बेहतर सुविधा इसके माध्यम से देने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर जब इन दिव्यांग जनों को ये सुविधाएं यहां प्राप्त हो रही हैं, मुझे प्रसन्नता है कि आज के इस अवसर पर न केवल बच्चों को बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को भी तमाम प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अक्सर होता है कि बुजुर्ग व्यक्ति एक समय के बाद असहाय सा हो जाता है, वो चश्मा उसको नहीं मिल पाता है, उसको जो वृद्धा छड़ी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, या बहुत सारे लोग परिवार में भी जब व्यक्ति काम उस स्थिति में नहीं रहता तो परिवार के लोग भी कभी कभी उपेक्षा करने लगते हैं, उसके लिए बहुत पीड़ादायक क्षण होता है। और मुझे आपको मुझे इस बात के लिए मुझे प्रधानमंत्री जी का और आपको हृदय से धन्यवाद देना है कि आपने राष्ट्रीय वयोश्री योजना
लागू की है, जिसके माध्यम से वरिष्ठ जनों को भी उनके लिए आवश्यक जो उपकरण है, ये उपकरण आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो रही है, जिसमें उनको चश्मे भी दिए जा रहे हैं, कान की मशीन भी दी जा रही है, छड़ी भी दी जा रही है, और भी जो सहायक उपकरण उनके लिए हो सकते हैं, ये सभी सहायक उपकरण उनको देने की कार्रवाई जो हो रही है, यह एक सराहनीय प्रयास है और सचमुच यह एक बहुत पुण्य का कार्य है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः दिव्यांगजनों को और बुजुर्गों को सहारा बनने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो पहल प्रारंभ की है, एक सराहनीय पहल है। इस सराहनीय पहल के लिए मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और इस विभाग के माननीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा और इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस भी जनपद में आपको कार्यक्रम करने हो, इसी प्रकार की व्यवस्था प्रदेश शासन की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को प्राप्त होगी। सामाजिक अधिकारिता शिविर के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार सहकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने रविवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में 4,115 दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायता उपकरण वितरित किया। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्यांगजन हमारे समाज के प्रमुख अंग हैं, इन्हें इतना शक्तिशाली बनाना है कि इन्हें किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े, इसी उद्देश्य के तहत आज यहाँ निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कैराना के सांसद हुकुम सिंह के आकस्मिक निधन काफी दुखद है, पार्टी में इनकी सक्रिय भूमिका रही है, भाजपा की अपूर्ण क्षति है, किसानों और पश्चिम की जनता ने अपना नेतृत्व करता खोया है। देखो ये साइकिल वाले को दिखने दो ना, इनके पीछे कहाँ है, हाँ ये सर बाइक भी करा दे, बाइक भी करा दे सर, अपराध ठीक बा, महाराज जी हो गया, महाराज जी हो गया, महाराज जी और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पिछले 3.5 वर्षों के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं उनमें दिव्यांग जनों के लिए एडिप योजना के अंतर्गत, वयोश्री योजना के अंतर्गत वृद्ध जनों के लिए जो सहायक उपकरण वितरण के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, इसने दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरियों में उचित स्थान मिले, इसके लिए आरक्षण का जो उनका प्रावधान था 3% से बढ़ाकर के 4% करने और उन्हें हर योजना से लाभान्वित किया जा सके, इस दिशा में एक बेहतर प्रयास प्रारंभ हुआ है। खासतौर पर जो मूक बधिर बच्चे थे उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी कि ये मान लिया जाता था कि कभी ठीक नहीं होंगे। पिछले 3.5 वर्षों के दौरान भारत सरकार के सहयोग से 1,000 से अधिक ऐसे बच्चों को निःशुल्क उपचार करके और उनकी बोलने की शक्ति उनके अंदर पैदा करवाई गई एक छोटे से ऑपरेशन में, जिसमें 6 लाख का अनुदान भारत सरकार ने प्रत्येक ऐसे जो दिव्यांग था उसको उपलब्ध कराया है। भारत सरकार की तर्ज पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी दिव्यांग जनों के 2016 के उस एक्ट में संशोधन करते हुए 3 से 4% तक उन लोगों को सरकारी सुविधाओं में आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कर दी है। दिव्यांग जनों की पेंशन की राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर के 500 रुपये हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर पहले ही कर चुके हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक पीड़ित है और यहाँ पर इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों में जो बच्चे जेई या एईएस की चपेट में आते हैं, शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता की चपेट में उनके अंदर वे ज्यादा आते हैं, उन बच्चों के लिए भी एक CRC कंबाइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर गोरखपुर में स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार अपनी ओर से पूरी औपचारिकताएं पूरी कर चुका है और भारत सरकार ने अपनी सहमति दी है।
मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र सीआरसी गोरखपुर में स्थापित होगा और उन बच्चों की रिहैबिलिटेशन में जो शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता के शिकार इंसेफ्लाइटिस के कारण हुए हैं उन लोगों को राहत देने उनको हम लोग पुनर्वास करने में हमें मदद मिलेगी। आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर 4000 से ज्यादा दिव्यांगजनों को और वयोवृद्धों को यहाँ पर एडीप योजना के अंतर्गत वयोश्री योजना के अंतर्गत यहाँ पर उन्हें सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की योजना प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी वितरण करने की कार्रवाई कल भी हम रामपुर में इस प्रकार का एक आयोजन किए थे। देश के अंदर भारत सरकार की ओर से बड़े बड़े जो आयोजन है उनमें ये 281वां यानी 280 इस प्रकार के आयोजन पहले संपन्न हो चुके थे, 281वां यह आयोजन गोरखपुर में किया गया है। हमें विश्वास है कि आयोजन आगे भी इसी प्रकार से करेंगे। देखिए हुकुम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ साथ एक किसानों की आवाज थे, एक बहुत अच्छे संसदविद थे। यह एक अपूर्णीय क्षति है, पार्टी ने एक नेता खोया है, किसानों ने अपना एक अगुवा खोया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने जो आवाज बुलंद की थी मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस आवाज को एक नई गति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार से देते रहेंगे। मैं आज प्रातःकालीन सत्र में वहां गया था और उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं वहीं से फिर गोरखपुर आया हूं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। छिहत्तर सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमिश्नर अनिल कुमार ने रविवार को नगर निगम प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल परियोजना के अंतर्गत विकसित की गई आवासीय व व्यावसायिक योजनाओं में क्षतिग्रस्त सड़कें, नाली, पार्क, जलापूर्ति का निरीक्षण किया। इस दौरान प्राधिकरण के मुख्य अभियंता संजय कुमार सिंह, सहायक अभियंता, अवर अभियंता सहित संबंधित कई अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने विभिन्न योजनाओं में जल जमाव, जल निकासी, सड़क एवं नालियों का सुंदरीकरण के लिए गोरखपुर प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए प्लानिंग एवं आंगणन की जांच किया तथा सड़क, नाली, पार्क एवं जलपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने मुख्य अभियंता को निर्देशित किया कि जो सड़कें ठीक हैं उन सड़कों का अपने स्तर पर पुनः निरीक्षण कर लें और यदि आवश्यक न हो तो उन्हें पुनः न बनाया जाए। उस बचत से जहां अन्य कॉलोनियों में सड़कें व नालियों अथवा पार्क आदि क्षतिग्रस्त हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता अनुसार ठीक करा लिया जाए। भारतीय नारी सेना के सदस्यों ने रविवार को यातायात चौराहे पर स्थित देश के प्रथम राष्ट्रपति के प्रतिमा की साफ सफाई की। प्रतिमा की सफाई कर रहे नारी सेना के सदस्यों का कहना है कि महापुरुषों की प्रत्येक रविवार को हम लोग महापुरुषों प्रतिमाओं की साफ सफाई करते हैं।
लगे नीचे आ गए। भारतीय नारी सेना के तत्वधान में जो महापुरुषों की जितनी प्रतिमा लगी है गोरखपुर में, तो हम लोग संडे को धोते हैं। आज जब कभी इनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि होती है उसमें उस मूर्ति को धोते हैं जिनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि होती है। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को बक्शीपुर स्थित कैंप कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव व प्रभारी पूर्वी जोन डॉक्टर सुधाकर पांडे ने विभिन्न क्षेत्र से आए दल के नव निर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर संतोष कुमार सिंह, महाराजगंज के पूर्व विधायक गणपति सिंह, दल के महासचिव रजनीकांत मिश्र, विजय यादव, प्रदेश सचिव जगदम्बा शरण, डॉक्टर दिवाकर मिश्रा श्रीवास्तव और प्रेम सागर त्रिपाठी का माल्यार्पण व अंग वस्त्र भेंट कर अभिनंदन किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने दल की मजबूती के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने पर चर्चा की गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका सक्रिय करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पनियरा के पूर्व विधायक गणपत सिंह ने कहा, एक महागठबंधन बनने का, शरद यादव जी ये हमारे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश पदाधिकारियों का, जो हमारे गोरखपुर मंडल स्तर के जो पदाधिकारी जो यहाँ हैं, प्रदेश के जो पदाधिकारी हुए हैं, उनका आज सम्मान समारोह रखा गया है। ये मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आज संपादन हो रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय पूर्व विधायक गणपत सिंह महाराजगंज, इंजीनियर संतोष कुमार उपाध्यक्ष गोरखपुर और प्रदेश के महासचिव रजनीकांत मिश्र जी जो गोरखपुर के हैं, विजय यादव महासचिव, प्रेम सागर त्रिपाठी वो भी प्रदेश के सचिव निर्वाचित हुए हैं, साथ ही किसान नेता डॉक्टर दिवाकर मिश्र, जगदम्बा शरण श्रीवास्तव एडवोकेट महाराजगंज, ये प्रदेश सचिव निर्वाचित हुए हैं। अभी हमारे और सर्वानंद ज्योति भारी हैं, वो देवरिया से ही आ रहे हैं। इस तरह से हमारे सारे जो पदाधिकारी जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्य के लिए नौजवानों, कामगार, किसानों और पूर्वांचल राज्य के जो कार्य में अपना संघर्ष और योगदान देंगे, उन लोगों को हम लोग बधाई के साथ साथ उनके हर्षोल्लास और उनके कार्य में यशस्वी तेजस्वी कार्य हो, इसलिए आज हम सभी लोग एकत्र होकर के इस संपर्क कार्यालय बक्शीपुर में हम लोगों ने अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से, मंडल अध्यक्ष के माध्यम से इस कार्य को किया गया है। हम लोग अपनी पूरी ताकत से, पूरे जिम्मेदारी के साथ, जहाँ भी पार्टी हमको हमारा प्रयोग चाहे कि हमारा प्रयोग करना चाहे कि हम तैयार रहेंगे और पूरी ताकत लगा करके हम लोग दल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गंगोत्री देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ महाविद्यालय के सभागार में किया गया, जिसका शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई तथा छात्राओं ने स्वच्छता की शपथ ली। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्कर्ष त्रिपाठी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, प्रत्या उपाध्याय सहित अन्य छात्राएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम की संचालन जिज्ञासा मिश्रा ने किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम संयोजक प्रतिभा उपाध्याय और डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी ने कार्यक्रम के संबंध में बताया।
बली। गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय में आज 4/2/2018 में राष्ट्र सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। आज ही शुभारंभ है और ये 7 दिनों तक लगेगा, लगातार चलेगा। और इसमें मतलब हम लोग का जो मेन थीम है वो स्वच्छता अभियान है और मतदाता जागरूकता अभियान है। इसमें आए दिन बच्चों को कौशल डेवलपमेंट के लिए सिखाया जाता है। स्वच्छता अभियान में जगह की रैलियाँ निकाली जाती हैं और बच्चों के अंदर जो छिपी प्रतिभा होती है उसको निखारने की कोशिश की जाती है। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री गहलोत ने 2,21,00,000 रुपए की लागत से 4,115 दिव्यांगों को 7,072 ड्राई साइकिल एवं व्हील चेयर तथा अन्य उपकरण किया वितरित। सांसद हुकुम सिंह की आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया खेद। कहा, पश्चिम की जनता और किसानों ने खोया अपना नेतृत्वकर्ता। कमिश्नर अनिल कुमार ने राम वरताल परियोजना के अंतर्गत विकसित की गई आवासीय व व्यावसायिक योजनाओं में क्षतिग्रस्त सड़कें, नाली और पार्क का किया निरीक्षण। भारतीय नारी सेना के सदस्यों ने की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा की साफ सफाई। राष्ट्रीय लोकदल के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का कैंप कार्यालय पर बख्शीपुर में हुआ जोरदार स्वागत। और गंगोत्री देवी महाविद्यालय के 7 दिवसीय NSS शिविर का हुआ शुभारंभ। स्वयं सेविकाओं ने ली स्वच्छता की शपथ। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।